लेते हो इन जोसा काउंसलिंग तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो इन काउंसलिंग फ़र्दर आप बस ये चाहते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले यू फील्ड आईआईटी बॉम्बे सीएससी एस दिल्ली सीएससी एंड एंड सो ऑन फिर उसके बाद आपने आई खड़गपुर की सीएससी भर दिया आई कानपुर की सीएससी अब ये है कि आपको इफ़ इन केस यू गेट आई आई खड़गपुर की सी एंड उससे ऊपर आई टी की सी है और अब आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो बंगाल का ही रहने वाला हूँ सो आई विल जस्ट टेक आई टी खड़गपुर सी एस एम ओके विद दैट सो यू कैन फ्रीज योर ऑप्शन कि अब आई डू नॉट वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन द जोसा काउंसलिंग अब मैं बस यहीं टिकना चाहता हूँ उससे आगे मुझे मिलेगा तो मे बी इट्स अवे फ्रॉम माई होम टाउन या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू इनकाउंटर सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सीट एंड आई वुड लाइक टू रादर फ्रीज इट तो मतलब आप उस जगह पे जाके बैठ जाओगे एंड यू आर आउट फ्रॉम फर्दर आउट्स ऑफ जोसा मतलब अब आप आपको क्या है कि वो जोसा वाले निकाल देंगे कि ठीक है यू हैव गॉट योर सीट अब आप साइड में बैठ जाओ आपको अपना कॉलेज अलाउट हो गया है आपने एक रिजर्व एक सीट ले ली है और अब आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे वैसा नहीं है कि एक बार खड़गपुर की सीट ले ली उसके बाद फ्रीज करने के बाद यूल बी लाइक कि आ, अरे इस रैंक में तो मेरे को शायद डेली की भी मिल जाती बॉम्बे की भी मिल जाती अगर आपने फ्रीज कर दिया इफ़ यू आर ऑन दैट सीट देन यू विल नॉट बी गेटिंग एनी फर्दर एनी फर्दर राउंड्स और उसके बाद आप बिल्कुल आउट हो जाओगे नाउ कमिंग ऑन टू द फ्लोट ऑप्शन अब फ्लोट ऑप्शन में लोगों को लगता है कि अगर मैंने फ्लोट कर दिया तो uh, क्या पता मैं जोसा की काउंसलिंग से ही आउट हो जाऊँ क्या पता मुझे कोई सीट ही ना मिले तो इट्स नॉट लाइक दैट प्लीज़ डो नॉट वरी अबाउट दैट फ्लोट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन डू जो कि मैंने भी किया था इन माई काउंसलिंग्स तो फ्लोट uh, ऑप्शन में क्या होता है कि आपको मान लो जैसे आई आई खड़गपुर का गेव एन एग्जाम्पल आपको खड़गपुर में सी एस सी मिल रही है बट यू वॉन्ट समथिंग एल्स यू वॉन्ट कि नहीं नहीं आई वॉन्ट टू मूव फर्दर मैं बहुत आई एम ओके विद डेली सी एस सी बॉम्बे सी एस सी ऑफकोर्स यूल बी ओके बट मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ सो यू कैन स्विच ऑन टू द फ्लोट ऑप्शन इसमें क्या होता है कि आपकी आई आई टीज शिफ्ट होती हैं अलॉन्ग विद द ब्रांचेज मतलब जैसे uh, आपने एन का ऑप्शन भरा अब और ये सारी चीज़ें सारे कॉलेजेस के साथ होते हैं नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट आई आई टीज़ का ऑप्शन आपके जोसा काउंसलिंग में तभी आता है वन यू हैव क्लियर फॉर एडवांस्ड तो जब आपने एडवांस क्लियर कर लिया तो सबसे पहले आई नो आपके ऑप्शन तो आई आई ही होंगी ना तो आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल फॉर दैट बट इट्स क्वाइट यूनिवर्सल आप किसी भी कॉलेज गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज और जो भी जोसा काउंसलिंग के अंडर कॉलेजेस आते हैं आ, उनके लिए आप यू कैन फिल और सबके लिए सेम प्रोसीजर है अब जैसे लीविंग ऑन एन आई छोड़ देते हैं चलो अब एन पे आते हैं अब आपने एन भर दी अब किसी एन में आपको मैकेनिकल मिल रही है और उससे ऊपर वाली एन आई टी में आपको uh, uh, आपने ऐसे चॉइसेस भरी हैं जैसे एन वारंगल में आपको मकैनिकल मिल रही है और फिर उसके बाद आपने सी भर दी एन आई ट्रिची में तो अब आपको मैकेनिकल मिल रही है अब यू आर थिंकिंग कि यार क्या पता सी एस सी मिल जाए तो यू कैन स्विच ऑन टू द फ्लोट ऑप्शन तो फ्लोट uh, ऑप्शन में आप स्विच कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को वारंगल में मैकेनिकल मिल रही है लेकिन अब मुझे उसमें ही सी एस सी चाहिए तो यू कैन स्विच ऑन टू द स्लाइड ऑप्शन विच स्विच इज़ योर चॉइस इन द सेम कॉलेज मतलब आपको ऐसा है कि अब मेरे को अपना मनपसंद का कॉलेज मिल गया है ठीक है ब्रांच नहीं मिली अभी तो मैं स्लाइड करा देता हूँ सो दैट मैं उसी कॉलेज में रहा बस मेरी ब्रांच चेंज होती रहे ठीक है तो दैट इज़ द स्लाइड ऑप्शन फ्लोट इज़ यूनिवर्सल वो आपको कॉलेज भी चेंज करता है वो आपकी ब्रांच भी चेंज करता है बट स्लाइड इज समथिंग कि आपने अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज फिक्स कर दिया तो उसी के अंदर आपकी ब्रांच चेंज होगी तो स्लाइड के अंदर ये होता है ठीक है मैंने पर्सनली सारे राउंड्स में फ्लोट किया था मैंने फ्रीज सिर्फ आखिरी राउंड में किया था सेवन्थ राउंड में और उससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था तो पहले तो ऐसे केसेस होते थे, थे तो 2019 तक कि यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट एट द सेंटर कि आपको फ्रीज़ फ्लोट या स्लाइड uh, कराना है आपकी नियरेस्ट एन आई टी या आई में आपको जाना होता था बट अब बिकॉज ऑफ़ द कोरोना इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि वेदर यू वॉन्ट टू फ्रीज फ्लोट और स्लाइड द ऑप्शन तो आप uh, वैसी चीज़ें कर सकते हैं एंड वन मोर थिंग दर इज एन ऑप्शन ऑफ विदड्रॉ सो विड्रॉ के ऑप्शन को मत दबाना इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट द काउंसलिंग इफ यू रियली वॉन्ट टू टेक एनी कॉलेज थ्रू जोसा तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विड्रॉ के ऑप्शन को क्लिक करते इट विलस्ट कि वेदर यू वॉन्ट टू विड्रॉ और अगर आपने येस yes कर दिया तो आई थिंक वो तुरंत विदड्रॉ कर लेता है तो प्लीज़ डो नॉट क्लिक दैट ऑप्शन अगर आपको जोसा काउंसलिंग से ही आपको कॉलेज चाहिए तो प्लीज़ बी पर्टिकुलर अबाउट दैट विड्रॉ में ऐसा होता है कि अगर आपने सेवेंथ राउंड में लास्ट में विड्रॉ किया तो विल नॉट बी गेट गेटिंग एनी रिफंड और अगर आपने मतलब जैसे लास्ट राउंड है उसमें आपने विड्रॉ किया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा इफ यू हैव पेड फॉर द पर्टिकुलर सीट जैसे कि आपको uh, मैं शुरू से बताती हूँ जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में हैव गॉट एनी कॉलेज तो आपको एक बहुत सारे फॉर्म सबमिट करने होते हैं बहुत सारे आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करने होते हैं जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं बेसिकली तो जब आपने वो सबमिट कर दिए तो आपको फीस भी भरनी होती है विच इज़ अराउंड थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड तो उसका मतलब ये है कि यू हैव टेकन दैट सीट मतलब अब आप जो सा में आगे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो और कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी राउंड में सीट्स नहीं मिलती हैं तो इट इट मीनस कि उनको पैसे जमा करने की भी जरूरत नहीं होती जिस राउंड में उन्हें सीट मिलेगी एंड दे टू कंटिन्यू द काउंसलिंग फर्दर उस राउंड में उन्हें पैसे जमा करवाने पड़ेंगे अब अगर उन्होंने पैसे जमा करा दिए तो उनको अगर उन्होंने लास्ट राउंड में में उनको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है और लास्ट राउंड में जाके वो विड्रॉ करते हैं तो उनको रिफंड नहीं मिलेगा अगर लास्ट राउंड से पहले वाले राउंड में वो विड्रॉ uh, कर लेते हैं तो उनको रिफ़ंड मिल जाएगा मिनिमल चार्जेस कटेंगे उससे ज़्यादा नहीं कटेगा तो आप ये रिफंड का भी सोचना जैसे कि एक होता है कि अगर आपको एक आपका आईआईटी मिल गया है बट यू आर नॉट रियली हैप्पी विद द आईआईटी यू थिंक दैट यू शुड टेक अ ड्रॉप नेक्स्ट ईयर तो यू कॉन्ट डू दैट बिकॉज एक आईआईटी की सीट लेके आप उस सीट को वेस्ट नहीं जाने दे सकते और आप आप दोबारा एडवांस नहीं दे सकते बाद में अगर आपको एक आई मिल जाता है एंड यू आर नॉट प्रेफरिंग टू टेक इट तो अगले साल आप ड्रॉप लेके एडवांस नहीं दे सकते ये भी एक प्रॉब्लम चीज़ होती है तो उसका भी ध्यान रखना तो लास्ट राउंड में जाके अगर आपने किसी आईआईटी को छोड़ दिया तो यू कैन नॉट गिव एडवांस एनी फॉर्दर ठीक है तो आ, ये तो हो गई फ्री स्ट्रो स्लाइड की अब रिगार्डिंग द प्रेफरेंसेस कभी कभी फर्स्ट राउंड में या नॉट गेटिंग एनी कॉलेजेस तो ऐसा uh, होता है कि लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे कॉलेज नहीं मिला मेरा क्या होगा व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट सेकेंड राउंड में भी नहीं मिल रहा थर्ड राउंड में भी नहीं मिल रहा तो वॉट आई वुड प्रेफर यू इज़ कि ऐसा कुछ चॉइस यू शुड फिल कि यू नो दैट ये चॉइस तो मुझे मिल ही जाएगी सो दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मुझे कुछ तो एक कॉलेज मिल गया है विच आई एम हैप्पी विथ तो uh, ऐसा कॉलेज तो आपको भरना ही है जो आपको पूरी श्योरिटी है दैट यू विल बी गेटिंग इट सो दैट कॉन्फिडेंस ना जाए आपका अपने अंदर से कि यार अभी तो कॉलेज ही नहीं मिला मैं क्या करूं एंड ऑल्सो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी कर पाते हो जब आपको एक सीट अलॉट हो जाती है जैसे कि मैंने बताया तो ऐसी चॉइस तो जरूर भरना जो, जो आपको श्योरिटी हो दैट यू आर गेटिंग दिस कॉलेज और और रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस में ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत भरना दैट यू आर नॉट हैप्पी विथ क्योंकि फ्लोट में ऐसा होता है कि अगर आपने एक कॉलेज छोड़ दिया लाइक like, जैसे आप मैंने मैकेनिकल का एग्जाम्पल दिया था नेक्स्ट सीएससी तो अगर आपको नेक्स्ट सीएससी मिल जाती है किसी चीज़ में या कोई भी उससे अपर ब्रांच जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है तो जो नीचे वाली चीज़ है वो आपकी बिल्कुल चली जाएगी बिल्कुल चली जाएगी इट मीन्स कि अब आपको वही ऊपर उसके ऊपर वाली चीज़ लेनी पड़ेगी जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था ना जैसे मैंने मेरे को बच में केमिकल मिल रही थी आई टी में केमिकल मिल रही थी आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद इट इन द बिगनिंग तो जब मुझे आई आई गुवाहाटी में आई गॉट इंजीनियरिंग फिज़िक्स तो आई वज़ लाइक कि बी एच यू की मैकेनिकली ठीक थी क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पर तो तो आई थॉट कि इट्स वेरी नाइस तो अब मैं क्या करूँ क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं जो पहले मुझे मिला हुआ था बी एच यू केमिकल तो मैं क्या उसी पर वापस जा सकती हूँ टू नो आई कैन नॉट गो बैक मुझे अब जो मिला है मुझे वो लेना पड़ेगा चाहे वो जैसा भी हो सो वाई फिलिंग द प्रेफरेंसेज यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी प्रेफरेंसेज इस ऑर्डर में भर रहे हो कि अगर आपका ऊपर ऊपर जा रहा है एंड नीचे जो चीज़ें छूट रही हैं तो जो नीचे छूटी हुई चीज़ें उस उससे आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि यार ये मिल जाता मैंने फ्लोट क्यों कराया मैंने स्लाइड क्यों कराया मैंने फ्रीज क्यों नहीं किया तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार फ्लोट हो गया और अगर आपको नेक्स्ट कॉलेज मिल गया अपर प्रेफरेंस का तो उसके नीचे वाले सारे ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाएंगे आपको दोबारा वो कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो प्रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा कूल माइंड से फिल करना ये सब बातों को कंसिडर करके कि उससे नीचे वाला कॉलेज कभी नहीं मिलेगा आपको और अगर आपको ऐसा है कि आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया एंड यू जस्ट वांट टू चेंज इन ब्रांच तो जस्ट पुट ऑन द स्लाइड ऑप्शन क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आई अगर देखो पर्सनली मुझे आई दिल्ली में कुछ ब्रांच अगर मेरी पसंद की अगर मैं फ़िल करती मान पसंद की मैं फ़िल करती और मुझे मिल जाता और आई आई थिंक मुझे ऐसा होता कि अब तो आई दिल्ली में ही रहना है तो आई वुड हैव स्विच ऑन टू द स्लाइड ऑप्शन बट वो नहीं हो पाया था सो आई कंटिन्यू विद द फ्लोट ऑप्शन सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर अप की हूँ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स दैन यू कैन पुट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स और भी रिगार्डिंग प्रेफरेंस फिलिंग दैट वैदर वी शुड कंसिडर ब्रांच और कॉलेज आई एल ब्रिंग दैम इन द नेक्स्ट वीडियो और क्या क्या फैक्टर्स uh, कंसिडर करने चाहिए वाईल फिलिंग द प्रेफरेंस इज़ इन अ वेरी गुड मैनर सो आई एल ब्रिंग दैम अप और uh, तब तक के लिए आई होप येटिंग इन टू वे वेरी गुड कॉलेज कंस्टेंट यूज़ जो सारा कंस्टेंट विचार फ्रोज़ कुछ नहीं मैं कुछ भी फ्रोज़ बोल रही हूँ मैंने फ्री फ्री सी जगह हाँ करता जाऊंगा आप जाओ आप मत घूमते फिरो एक जगह चले जाओ